सन्मान होना हा प्रत्येक कलाकारासाठी अत्यंत अभिमानपूर्ण असा सोहळा आहे आणि तो सोहळा या ठिकाणी नवीनच्या राजाच्या चरणी संपन्न होत आहे। गणेशाची सातत्याने आराधना करणारे शंकरजी महादेवजी अजून एक विनंती आहे त्यांना की याला घ्या पुढील पुरस्कार एक आहे गोल मूर्ती हे गायक आहे जगभरामध्ये महाराष्ट्र भारत आणि संपूर्ण जगभरामध्ये जे गाणं वाजतं गायलं जातं ते गाणं आपल्या या ठिकाणी गायलं जावं अशी इच्छा आहे। हे ऑपरेटर एक नंतर आहे गाणं नवी मुंबई मध्ये सामाजिक क्षेत्रामध्ये त्यांचं योगदान आहे त्याचबरोबर संपूर्ण भारतामध्ये विविध संस्थांसाठी ते कार्य करतात। सबसे पहले मैं बहुत बहुत खुश हूँ यहाँ पर नवीन मुंबई का राजा का दर्शन लेते हुए और नवीन मुंबई में जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसके लिए मैं सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। आप लोगों का जो पसंदीदा गाना है विश्व विनायक का जो सर बोल रहे थे वो मैं चार लाइन आपको सुनाऊंगा। वज्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे धन्य हो गए आज यहाँ पर आके। पहले तो नवी मुंबई का राजा और सांडपाड़ा का राजा दोनों में दर्शन लेने का मुझे मौका मिला। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर नवी मुंबई में जो पॉजिटिविटी है एक फेस्टिविटी है सब लोगों का जो प्यार है और सब लोग एक साथ आते हैं जात पात बिना देखे ये जो उत्सव है ये हमारे लिए बहुत स्पेशल है। और मैं आज सभी का बहुत आभारी हूँ ऑर्गेनाइजर्स का बहुत आभारी हूँ कि मुझे आज ये मौका मिला यहाँ पर आके आरती करने का। दोनों जगह मैंने आरती किया है तो बस यही कहूँगा कि गणपति बप्पा मोरिया और ऐसे ही हमारे नवी मुंबई को और आगे बढ़ाते जाए क्योंकि मैं
जिंदगी में कभी नवी मुंबई झड़ने वाला हूँ।